इस शाम में हम नमक और हल्दी मिला के एक नाइट के लिए रख देंगे और कल सुबह हम फिर उसको धूप लगाएंगे। 2 स्पून ले रही हूँ मैं नमक। कोई स्पून ले रही हूँ मैं हल्दी। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्दी और नमक मिलाने से ये पानी भी छोड़ देगा हम, और फिर जब हम इसको धूप में रखेंगे बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम इसका अचार डालेंगे। हल्दी नमक लगा दिया मैंने आम में। अब मैं इसको 1 नाइट के लिए ऐसे ही रख देती हूँ उसको ढक के। कल सुबह मैं इसको धूप में डाल दूंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू बबली ब्लॉग्स। आज हम बनाए जा रहे हैं आंध्रा स्टाइल अचार। ये लिए थे मैंने 2 आम। इसको मैंने 2 दिन हल्दी और नमक लगा के धूप में सुखाया है। इसमें डालने के लिए चाहिए हमें लहसुन। ये मैंने थोड़ा लहसुन लिया है। ये लिए है मैंने मिर्ची पाउडर। ये लिया है मैंने सरसों का पाउडर। 1 स्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर। 1 स्पून लिया है मैंने मेथी। इसमें मसाला डाल के मिला देते हैं। पहले मैं डाल रही हूँ मिर्ची, सरसों का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मेथी। अभी इसमें थोड़ा मिर्ची और पड़ेगी क्योंकि इस अचार में ज़्यादा ही मिर्ची पड़ती है। थोड़ा सा सरसों का पाउडर और डाल रही हूँ मैं। दो स्पून और डाल रही हूँ मैं मिर्ची। इस अचार में मिर्ची ज़्यादा ही पड़ती है। मैं डाल रही हूँ तेल डाल के मिलाऊंगी इसमें, और डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अचार में। इस अचार में लहसुन ज़्यादा पड़ते हैं। और मिर्ची यह हाथ में लगेगी बहुत ज़्यादा। थोड़ा तेल और डालेंगे, इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। सब आम के पीसेस में लग जाना चाहिए, मसाला भी तेल भी। ये देखिए सारे पीसेस में लग गया है। अब मैं इसको बॉटल के जार में भरती हूँ। मैं बॉटल में डालती हूँ इसको। अब हम 3 दिन तक इसको ऐसे बंद करके रख देंगे साइड में। 3 दिन के बाद हम इसको धूप में रखेंगे। 2-3 दिन धूप में रखने के बाद हमारा मिनिमम 5 दिन में हमारा अचार बन के रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। आंध्रा स्टाइल से अचार हमने डाल दिया। अब हम 5 दिन के लिए इसको ऐसे बंद करके रख देंगे। 5 दिन के बाद हम इसको खोलते हैं अचार को।